नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों में विस्तार रूप से जाने से पहले नजर डाल लेते हैं मुख्य हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने की लोगों से अपील, बेवजह अस्पतालों में न जाएं लोग, घरों में करें इलाज। पुलिसकर्मियों के पुलिस अधीक्षक ने की किट वितरित, पुलिसकर्मियों को स्वस्थ रहने के लिए दी किट। प्रदेश में ऑक्सीजन का छाया संकट, शासन अपने स्तर पर कर रहा हर संभव प्रयास। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की अदालतों को दिया आदेश, निचली अदालतों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत। निजी अस्पतालों की मनमानी चरम पर, अन्य जिलों से आए लोगों से किया जा रहा अमानवीय व्यवहार। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 50,000 रुपए में किया था रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा। शिवराज सरकार ने जनता को दिया एक कोड़ झटका, कोरोना काल में महंगा हुआ बसों का टिकट, सरकार ने 25% तक बढ़ाए बसों में टिकट के दाम। भूखे मरने को मजबूर हुए गरीब लोग, लॉकडाउन में मंदिरों में लोगों का आवागमन हुआ बंद। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व, कोरोना कर्फ्यू के चलते नहीं किया गया कोई सार्वजनिक आयोजन। विदिशा हांसुआ में लगा हाट बाजार, तहसीलदार ने कराया बंद। भोपाल इंदौर के निजी हॉस्पिटल में 139 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी, हॉस्पिटल प्रबंधन ने करवाई FIR दर्ज। जबलपुर फेसबुक लाइव कर पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप, कैंट थाना अंतर्गत भैंसासुर तिराहे पर चल रही थी चेकिंग। जबलपुर शादी का झांसा देकर युवती का शोषण, पिछले 3 सालों से युवती से कर रहा था रेप। भौती नायब तहसीलदार ज्योति लक्षकार ने की दुकानें सील, कई दुकानदारों को सामान बेचते हुए दबोचा। विदिशा लॉकडाउन से पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार, जनपद प्रतिनिधि ने की पीड़ित परिवार की मदद। नमस्कार, बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।